तो क्या सरवाइव कर पाएंगे जेउसो का चैलेंज रोमन रेंस? हैवीवेट चैंपियन कौन रहने वाला है समझलैम के बाद? सेथ फ्रिकन रॉलेंस, फिन बैलर या फिर हमारे डैमियन प्रिस्ट? कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर के बीच में थर्ड मैच में फाइनली किसको विक्ट्री मिलने वाली है? तो क्या होने वाला है पूरा समझलैम का हाल? रिटर्न किसकी होने वाली है? क्या रैंडी ऑर्टन फाइनली रिटर्न होंगे? ब्रे वायत के रिटर्न की क्या चांसेस है? सारी चीजें करेंगे इस वीडियो के अंदर डिस्कस, बिकॉज ये होगी समझलैम की प्रिडिक्शन वीडियो। सब कुछ करेंगे, प्रिडिक्ट कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी इंटरफेरेंस होगी, कहाँ पर किसके रिटर्न के चांसेस हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर होगा डिस्कस। सो हे बरिस, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो स्टेट अवे चले गाइस हमारे पहले मैच की तरफ, और ये जो पहला मैच हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं ये है कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर, वन ऑफ द मेन इवेंट आप इसको कह रहे हो, और बहुत बड़ा मैच है। तीसरा ये मैच है इन दोनों के बीच में, सिंगल्स मैच है। मुझे लग रहा था शायद स्टिपुलेशन वगैरह कुछ एड ऑन करेगी WWE इस मैच में, बट वैसा कुछ किया नहीं है WWE ने अभी तक। इस मैच के फेवरेट की बात करें तो कोडी रोड्स फेवरेट है इस मैच में, ब्रॉक लेसनर अंडरडॉग इस मैच में जाएंगे। मतलब किसी मैच में अगर ब्रॉक अंडरडॉग जा रहे हैं तो आप समझ सकते हो सामने वाले बंदे का लेवल कहां जा चुका है। बट हां, क्योंकि ये तीसरा मैच है, कोडी रोड्स बेबी फेस है, कोडी रोड्स को ये विक्ट्री देनी है, तो इसलिए फेवरेट भी कोडी रोड्स है और मैं भी पिक करने वाला हूं कोडी रोड्स को यहां पर। इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो मुझे लगता है वैसे किसी की इंटरफेरेंस वगैरह नहीं होगी इस मैच में, बट हां अगर कोई रिटर्न यहां पर कर रहा है तो फिर वो यहां पर ब्रॉक लेसनर को कॉस्ट कर सकता है ये मैच। तो रिटर्न अगर किसी की यहां पर हो सकती है तो ऑफकोर्स रैंडी ऑर्टन को अगर WWE को किसी फ्यूड में लाना है इन दोनों में से किसी एक के अगेंस्ट, तो वो आ सकते हैं, बिगी आ सकते हैं या इवन ब्रे वायत भी आ सकते हैं। तो किसी ना किसी की रिटर्न इस मैच में हो सकती है, ऐसा पॉसिबल 100% नहीं है, बट हाँ अगर करानी है तो इस मैच में एक ऐसा मैच है ये जहां पर WWE करवा सकती है किसी की रिटर्न। बट स्टिल मैच का विनर कोडी रोड्स ही होगा मेरे हिसाब से, चाहे इंटरफेरेंस हो या ना हो, कोडी रोड्स इज माय पिक। चलते हैं अगले मैच की तरफ। अगला जो मैच है गाइस ये है आस्का वर्सेस शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बियांका ब्लेयर, योगा WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेड मैच। यहां पर बात करें तो आस्का सबसे ज्यादा फेवरेट है, उसके बाद शार्लेट फ्लेयर का चांस है एंड देन फिर बियांका ब्लेयर का। इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट मुझे लगता नहीं है यहाँ पर किसी की होने वाली है, ट्रिपल थ्रेड मैच है, सब कुछ यहाँ पर अलाउड है, बट फेवरेट आस्का है और मैं भी आस्का के साथ ही जाने वाला हूँ। मुझे लगता है शायद आस्का को अभी WWE ने रन दिया है तो इतनी जल्दी उनसे चैंपियनशिप लेनी नहीं चाहिए, तो इसलिए आस्का को यहाँ पर रिटेन करना चाहिए चैंपियनशिप। बट क्योंकि ये समझ स्लैम का पेपर है, यहाँ पर WWE कर देती है ऐसी वैसी चीजें, तो शार्लेट फ्लेयर के भी अच्छे खासे चांसेस हैं। WWE यू नेवर नो, क्या पता शार्लेट फ्लेयर को समझ स्लैम में दे दे चैंपियनशिप, तो वैसे मैं आस्का को पिक कर रहा हूँ, बट अगर शार्लेट फ्लेयर भी जीतेगी तो मेरे को कोई सरप्राइज नहीं होगा। अगले मैच की तरफ चलते हैं, ये होगा रिकोशी वर्सेस लोगन पॉल, सिंगल्स मैच ही होगा, बट काफी कुछ इस मैच में होगा देखने लायक। मतलब एक हाईलाइट वाले मोमेंट इस मैच के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। रिकोशी लोगन पॉल जब भी आमने सामने होते हैं तो काफी तगड़े यहाँ पर ये स्पॉट्स जो है वो बुक करके देते हैं इस मैच में। दो तीन स्पॉट्स तो भाई होने चाहिए जो की मतलब मैच की हाईलाइट बने, शो की हाईलाइट बने, सो वो देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। विनर की अगर हम बात करें यहाँ पर प्रेडिक्शन की, तो लोगन पॉल मेरे हिसाब से फेवरेट है यहाँ पर, और ये मैच ही लोगन पॉल के लिए रखा गया है ताकि लोगन पॉल को विक्ट्री दी जाए। अभी तक वो अपने सारे मैचेस हार ही रहे थे पिछले जो भी बड़े मैचेस वो रेसल किए हैं, तो ये मैच इसलिए दिया गया ताकि लोगन पॉल को भी विक्ट्री यहाँ पर मिल सके WWE के अंदर किसी बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। तो लोगन पॉल विल बी द विनर ऑफ दिस मैच, और इंटरफेरेंस वगैरह मुझे लगता नहीं इस मैच में किसी की होने वाली है। अगले मैच की तरफ चलते हैं गाइस, होगा रोंडा रॉजी वर्सेस सेना पेजलर। MMA रूल्स यहाँ पर WWE ने इस मैच के अंदर एड किए हैं, तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि MMA के यार रूल्स यहाँ पर WWE करने वाली है। फेवरेट की बात करें तो सेना पेजलर फेवरेट है वैसे तो, बट रोंडा रॉजी को भी जिता सकती है WWE, पर अगर इन दोनों के बीच में लास्ट मैच है और इस फ्यूड को WWE आगे ड्रैग नहीं कर रही है तो फिर तो विदाउट डाउट सेना बेजलर ही जीतेगी, क्योंकि WWE को ये फ्यूड इवेंचुअली सेना बेजलर को जितानी है, सेना बेजलर को ओवर करना है रोंडा रॉजी को, इसलिए ये फ्यूड जो है वो कराई जा रही है। तो सेना बेजलर मैं पिक करूंगा, इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट मुझे लगता नहीं यहाँ पर किसी की होगी, सेना बेजलर विल बी द विनर। अगला मैच है गाइस समरस्लैम का बैटल रॉयल मैच, WWE ने अनाउंस करा है रिसेंटली अभी। इस मैच है LA Knight, शीमस, तोमासो चेम्पा, शिंसुके नाकामुरा, ओटिस, चैड गेबल अभी तक अनाउंस हो चुके हैं, बाकी पार्टिसिपेंट WWE शायद बाद में अनाउंस करेगी। फेवरेट की बात करें तो LA Knight फेवरेट है, वैसे जीतने को शीमस वगैरह भी जीत सकते हैं, WWE सरप्राइज भी दिखा सकती है एक और, बट यहाँ पर जीतना चाहिए LA Knight को, क्योंकि शायद ये मैच ही LA Knight के लिए रखा गया है कि LA Knight को यहाँ पर WWE एक मोमेंट दे सके। SummerSlam जैसा बड़ा इवेंट है, अगर LA Knight को मैच ही नहीं मिलता कोई तो ये बहुत बुरी बात हो जाती, तो इसलिए शायद WWE ने LA Knight को ये मैच दे दिया है, इससे बाकी जो पार्टिसिपेंट है जिनको कोई मैच नहीं मिल रहा है उनको भी मैच मिल जाएगा और LA Knight को वो मोमेंट भी मिल जाएगा जो की क्राउड भाई चाह रही होगी, और रिएक्शन जो देखने वाला होगा वो तो मतलब अलग ही लेवल का होगा। सो LA Knight इज माय पिक फॉर दिस मैच। अगला मैच है गाइस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गुंथर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर, ये मैच भी काफी तगड़ा होने वाला है। एक्सपेक्टेशन की बात करें तो काफी कुछ यहाँ पर इस मैच में क्योस हमें देखने को मिल सकता है। इन्वॉल्वमेंट इंटरफेरेंस की बात करें तो ये भी एक और ऐसा मैच है जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट वगैरह किसी की हो सकती है, और अगर इस मैच में कोई इंटरफेयर वगैरह करेगा तो फिर वो बिगी हो सकते हैं। अगर बिगी WWE ला रही है वापस SummerSlam में तो ये मैच है जहाँ पर बिगी जो है वो टारगेट कर सकते हैं गुंथर को, या मे बी ड्रू मैकइंटायर को भी कर सकते हैं अगर वो एज ही ला रहे हैं, तो इंटरेस्ट
इंटरेस्टिंग रहेगा ये मैच भी देखना कि क्या इसमें किसी की रिटर्न हमें देखने को मिलेगी या नहीं। और अगर मैं इस मैच के विनर पर आऊं तो मेरे हिसाब से गुंथर इस मैच में जीतकर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले हैं सक्सेसफुली। मैकेंटायर के चांसेस अगेन हैं बट उतने ज्यादा नहीं जितने गुंथर के, और मेरे हिसाब से भी शायद गुंथर ही इस मैच को जीतने वाले हैं। हालांकि किसी की इंटरफेरेंस वगैरह अगर होती है तो उस केस में गुंथर हार सकते हैं, अदरवाइज गुंथर का हारना मुझे मुश्किल लग रहा है पर्सनली, और मैं भी यहाँ पर प्रेडिक्शन में गुंथर को पिक करने वाला हूँ। अगर आपकी पिक ड्रू मैकेंटायर है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलते हैं गाइस अगले और आखिरी मैच की तरफ, और ये जो अगला और आखिरी मैच है ये है द मेन इवेंट, रोमन रेंस वर्सेस जे उसो। ट्राइबल कॉम्पैक्ट ये मैच होने वाला है अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। काफी कुछ इस मैच के अंदर ऑन द लाइन होगा। इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो अगेन ये भी एक ऐसा मैच है जहां पर रिटर्न किसी की हो सकती है अगर डब्ल्यूडब्ल्यू का करवानी है। अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू को रैंडी ऑर्टन की रिटर्न करानी है समरस्लैम में तो ये भी एक मैच है जहां पर रैंडी ऑर्टन की डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न करा सकती है। इसके अलावा अगर ब्रे वायत वापस आ रहे हैं तो ब्रे वायत के लिए भी एक मैच होगा जहां पर वो अटैक कर सकते हैं स्ट्रेट अवे आकर, और बिग ई के लिए भी ये मैच ऑन रहेगा कि यहाँ पर बिग ई भी आ सकते हैं। तो तीन रेसलर्स हैं जिनकी डब्ल्यूडब्ल्यू अगर रिटर्न कराती है तो यहाँ पर भी वो करवा सकते हैं, और हो सकता है कि मैच एंड होने के बाद आए। मुझे नहीं लगता कि इंटरफेरेंस होगी उन भी किसी भी रिटर्निंग सुपरस्टार की, मुझे लगता है मैच एंड होने के बाद आएंगे, इंटरफेरेंस मुझे लगता नहीं कि किसी की भी इस मैच के अंदर होगी। हाँ, जो ब्लड लाइन वगैरह वाले बंदे हैं वो तो ऑफकोर्स आएंगे क्योंकि सोलो सिकुआ बाहर होंगे रिंग के, तो वो शायद कुछ ना कुछ यहाँ पर करेंगे। जिमी उसो की इंजरी का पता नहीं है, वो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इसको लेकर आने वाली इंजरी, ऐसा नहीं है कि सीरियस वाली इंजरी है। अगर उसको डब्ल्यूडब्ल्यू लाना चाहती है समझ में, जो कि मुझे लगता है कि शायद लाएगी, तो वो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ करने वाले हैं गड़बड़। तो काफी कुछ कियोस इस मैच में होगा, काफी कुछ देखने वाला इस मैच के अंदर होगा। किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को एंड करेगी वो देखने वाला होगा, क्योंकि मुझे लगता है विनर की अगर हम बात करें तो रोमन रेंस इस मैच में जीतने वाले हैं। मेरे हिसाब से वही सबकी पिक होंगे। जे उसो का चांस यहाँ पर बनता नहीं है टू बी ऑनेस्ट, तो जीतने रोमन रेंस वाले हैं, बट किस तरीके से जीतेंगे, किसकी हेल्प से जीतेंगे या किसकी इन्वॉल्वमेंट होगी इस मैच में, वही आई थिंक इस मैच को इंटरेस्टिंग बना रहा है। तो क्या एंडिंग डब्ल्यूडब्ल्यू दिखाने वाली है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बाकी विनर की अगर यहाँ पर प्रेडिक्शन करें तो रोमन रेंस मेरे हिसाब से इस मैच में विनर होंगे और मैं भी उन्हीं को पिक करने वाला हूँ। अब चलते हैं गाइस हमारे रिटर्निंग सुपरस्टार के ऊपर कि कौन कौन से रिटर्न सुपरस्टार यहाँ पर कर सकते हैं इस पेपर व्यू के अंदर। तो जैसे कि मैंने कहा गाइस बिग ई के चांसेस हैं थोड़े बहुत कि बिग ई को डब्ल्यूडब्ल्यू ला सकती है, उनका नाम कहीं से भी नहीं आ रहा है, बट हाँ यू नो कि समरस्लैम में जब किसी की रिटर्न करानी होती है तो उसके बारे में डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ भी लीक नहीं करती है। ब्रॉक लेसनर की रिटर्न का आपको याद होगा कि आइडिया भी नहीं दिया था डब्ल्यूडब्ल्यू ने कि ब्रॉक लेसनर की रिटर्न हो गई थी, और बहुत ही सरप्राइजिंगली हो गई थी। रोमन रेंस की रिटर्न जब हुई थी तो किसी कोई रूमर या कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं आई थी, तो बिग ई को अगर लाना है वापस, बिग ई फिट हो चुके हैं एकदम, तो बिग ई आ सकते हैं समर स्लैम में, जो कि बहुत बड़ी रिटर्न होगी। रैंडी ऑर्टन को लेकर मेरे हिसाब से अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि अभी तक उन्होंने इन रिंग वाली जो ट्रेनिंग है वो नहीं करी है, वैसे वो जिम विम में जो वेट वगैरह है वो सब उठाने उन्होंने शुरू कर दिए, तो अभी मुझे लगता है शायद उनको टाइम लगेगा रिंग में आने में, तो इसलिए रैंडी ऑर्टन की रिटर्न मेरे हिसाब से नहीं होने वाली है। यहाँ पर ब्रे वायत यहाँ पर वापस आ सकते हैं, जिस तरीके से ब्रे वायत की चीजें डब्ल्यूडब्ल्यू कर रही है, मतलब वीडियो गेम्स वगैरह में ब्रे वायत आ रहे हैं या डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रे वायत की वीडियोज वगैरह भी अपलोड कर रही है, तो मतलब ब्रे वायत से ऐसा नहीं कि कोई पंगा है, जो सब जो भी कुछ था आई थिंक वो सॉल्व हो चुका है और ब्रे वायत भी रेडी है रिटर्न के लिए। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को ब्रे वायत को वापस लाना है तो डेफिनेटली समझ लें हमें वो लेकर आ सकते हैं। एक और नाम है जिसके बारे में अभी रिसेंटली बातें स्टार्ट हुई है और वो है द रॉक। रॉक के बारे में आउट ऑफ नोवेयर भाई बातें स्टार्ट हो गई है एकदम से कि रॉक भी आ सकते हैं, और अगर रॉक आने वाले हैं तो जे उसो रोमन रेंस का जो मैच है भाई वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से रॉक का भाई ऑरा है और जिस तरीके से ट्राइबल कॉम्पैक्ट वाली स्टिपुलेशन डाली है डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैच में, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इस मैच को बना रही है। ब्लड लाइन का एंगल, और अगर ये ब्लड लाइन वाला एंगल खत्म कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यू समरस्लैम में, जो कि मुझे डाउट लग रहा है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, बट अगर जो भी है ये मैच अगर हो रहा है और समरस्लैम में हो रहा है तो भाई रॉक के चांसेस, क्योंकि रिपोर्ट आ रही है तो उस हिसाब से भाई हम ऑन रखेंगे। अगर रॉक आते हैं तो डेफिनेटली समरस्लैम की बहुत ही तगड़ी रिटर्न ये होगी और बहुत ही कियोस यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, और जो रिएक्शन मिलेगा रॉक को वो देखने के लिए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो रॉक भी एक नाम होंगे गाइस जो कि रिटर्न कर सकते हैं समर स्लैम में। बाकी यदि गाइस मेरी प्रेडिक्शन, अगर आपको अपनी कोई प्रेडिक्शन छोड़नी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है मेरे वीडियो अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट।